नमस्कार, मैं नेहा अग्रवाल। भारतीय टीम लगातार 8 मैच जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल में अब लीग राउंड के अंत तक टॉप पोजीशन पर बनी रहेगी। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप 2023 के अपने 8वें मुकाबले में 243 रनों से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इसी के साथ टीम इंडिया के पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर अपनी बादशाहत कायम कर ली है। वही भारत और साउथ अफ्रीका दो टीमें ऐसी हैं जो सेमीफाइनल में जगह बना चुकी हैं। अब पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल के बचे हुए 2 स्थानों के लिए जंग है। इसी बीच अटकलें लगने लगी है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मैच हो सकता है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल 3 प्रमुख समीकरण है। उन्हें जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी होगा कि अब टीम इंडिया जब पहले स्थान पर ही रहने वाली है तो उसको पॉइंट्स टेबल की चौथी टीम में सेमीफाइनल से भिड़ना होगा। ऐसे में चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा आसार है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में से कोई एक रहेगा। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए इन दो टीमों से निपटना होगा। अब आपको बताते हैं सेमीफाइनल का पूरा हिसाब क्या है। अफगानिस्तान के 2 मैच अभी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका से बचे हुए हैं। पाकिस्तान को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच खेलने हैं। अफगानिस्तान अगर बचे हुए 2 में से 1 मैच भी जीत जाती है, साथ ही न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने भी आखिरी मैच जीते, तो 3 टीमें 5-5 जीत यानी 10-10 अंक पर आ जाएगी। और इस केस में नेट रन रेट बहुत काम आएगा। ऑस्ट्रेलिया ने 7 में से 5 मैच जीते हैं, उसके 2 मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बचे हुए हैं। अगर कंगारू टीम 1 मैच भी जीती तो सेमीफाइनल में आ जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलिया 2 मैच हारी तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को हर हाल में अपने आखिरी मैच बड़े अंतर में जीतने होंगे। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ।